नमस्कार दोस्तों, रिया की दावत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक न्यूट्रिशन फूड बनाने वाली हूँ जिसे सुपर हेल्दी फूड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं अलसी का, ये मैंने बीज लिया है, इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, इसको थोड़ा गरम, पैन को गरम कर लिया है और इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, अब ये चटकने लगा, उड़ने भी लगा है। इसको मैं अब निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का हल्का रोस्ट करना है क्योंकि इसे पाउडर फॉर्म में बनाना है। अब ये मैंने चिरौंजी ली है, 1 टेबल स्पून चिरौंजी है। इसको मैं डाल के, और देखिए इसको थोड़ा सा भूनना है। सब ड्राई करना है, इसको ज़्यादा नहीं करना है। देखिए अब ये ड्राई रोस्ट हो गया है चिरौंजी। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये तिल है, इसको सेसमी सीड्स भी कहा जाता है। देखिए रोस्ट हो गया, अब इसे भी मैं निकाल रही हूँ पैन में से बाहर। ये खरबूजे का बीज है जो 2 टेबल स्पून है, इसको भी ड्राई रोस्ट करना है। वे भी हो गया, अब इसको मैं निकाल ली। अब ये खसखस है, इसको पॉपी सीड्स भी कहा जाता है। इसे मैं 2 टेबल स्पून ले लिया है। ये रोस्ट हो गया, अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ इसमें। ये चिया सीड्स है, इसे भी रोस्ट कर रही हूँ। हल्का इसे करना है, ज़्यादा नहीं करना है। देखिए रोस्ट हो गया, अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। मैं 2 टेबल स्पून मैंने ये गोंद लिया है, इसे भी ड्राई रोस्ट करना है। ये देखिए गोंद भी रोस्ट हो गया, अब इसको इसमें डाल लेती हूँ। मूंगफली को मैंने रोस्ट करके इसके छिलके निकाल लिए थे पहले, तो इसे भी इसी में डालूँगी। 1.5 कप होगा मखाने, तो इसको भी रोस्ट करके डालूँगी। तो मखाने भी ड्राई हो गए, रोस्ट हो गए। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको निकाल लेती हूँ। देखिए ये सारे मैंने रोस्ट कर लिए हैं बिल्कुल ड्राई, और इसको मैं पाउडर बनाऊंगी मिक्सी में ग्राइंड करके। देखिए इसका पाउडर बना लिया है मैंने। ये मैं इसको ट्रांसफर कर लेती हूँ एक बाउल में। बहुत अच्छा सा इसमें से खुशबू आने लगी है, बहुत ही सुंदर सुंदर सा खुशबू आती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए मैंने ये पाउडर तैयार कर लिया है, और इसको थोड़ा सा और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा गुड़ डाल सकते हो। अगर मीठा खाते हो तो गुड़ डाल लीजिए, अब वैसे भी खा सकते हो। तो मैं इसमें थोड़ा गुड़ डाल रही हूँ, और इसका लड्डू भी बना सकते हो थोड़ा घी डाल के या गुड़ से।
इसको मिला के मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। जितना आप मीठा खाते उस हिसाब से गुड़ डाल ले, ये बहुत ही बेनिफिट करता है हेल्थ के लिए। इसको सर्दियों में तो ज़रूर बनानी चाहिए और बच्चों को भी खिलानी चाहिए। देखिए मैं गुड़ डाल ली हूँ, इसका आप लड्डू भी बना सकते हो, बिल्कुल अच्छे से बंध जाता है। अभी मैं बांध के भी दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से हमारा गुड़ इसमें मिल गया है, मैंने जो गुड़ डाली है इस तरह से मिक्स करके आप इसका लड्डू भी बना सकते हो। थोड़ा घी डालिए और इसको बांध लीजिए लड्डू तरीके से। ये देखिए लड्डू बनके तैयार हो गया है। ऐसे बांध लेना, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और इसका पाउडर भी आप खा सकते हो। इस तरह से आप छोटे छोटे लड्डू बना सकते हो और बना के आप किसी जार में रख सकते हो। आप कितने दिन भी रख सकते हो, आप एक महीने तक आप बाहर में जार में रख के कांच की बोतल में, कांच के जार में रख के और रोज़ इंजॉय कर सकते हो इस लड्डू का।